हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात सिर्फ इसकी नहीं, ये तो अभी इस वक्त बड़ी खबर आई है। इससे पहले भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जिसमें आरोपी नंबर 13 के पिता मिस्टर मारवा ये बात कबूल कर रहे हैं कि हाँ, हमें मोटा पैसा देना पड़ता था ऊपर से। रवि जी, देखिए पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन बोगस है। इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। जो श्रीमान इसमें स्टिंग में बोल रहे हैं, ना तो उनकी मुझे कोई आवाज समझ में आ रही है, ना उनका कोई नाम समझ में आ रहा है। पता नहीं किससे क्या बुलवाते रहते हैं। रवि जी, इनके बीजेपी के आईटी सेल का तो काम ही यही है, म्यूजिक एल्बम थोड़ी लॉन्च किया है कि आवाज आपको बिल्कुल सुरीली नजर आनी चाहिए, उसको तीन चार लेयर में एकदम फिल्टर करके और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। प्रभु, ये म्यूजिक एल्बम लॉन्च नहीं हुआ है, ये स्टिंग ऑपरेशन है। तो स्टिंग ऑपरेशन में आवाज कभी भी एकदम क्लियर नहीं आती है, जैसे आपकी आ रही है इस वक्त हम सबको। नहीं नहीं मैडम, स्टिंग ऑपरेशन के अंदर आरोपी के बाप जो है वो किसको बचाएंगे? आरोपी को बचाएंगे या दूसरे को बचाएंगे? इसमें क्या आरोपी के बयान की क्या कीमत होती है? कुछ नहीं। आरोपी आरोपी होता है तो किसकी कीमत जाएगा? उसके किसी बयान की कोई कीमत नहीं होती है। वो भी झूठा, आरोपी भी झूठा, आरोपी के पिता झूठे, जिसने किया वो झूठा। एक इकलौता सच्चा कौन? बिल्कुल आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सुधांशु जी। जब आपने सारे घर पे जाके, आप लोग समझ नहीं रहे, सारे घर पे जाके रेड मार ली। रवि जी कह रहे हैं 31 ठिकानों पे रेड मार ली, एक लौटा सच मिला नहीं। पूरे बैठे हुए क्या पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो है आम आदमी पार्टी। आईटी सेल का काम यही है, स्टिंग कर लीजिए। आप किसी आदमी को सामने लाकर कोई कबूल करवा दीजिए, कबूलनामा, कुछ नहीं होगा। हमने जो ठान लिया वो ठान लिया भाई। सुधांशु जी, नहीं इसमें सुधा देखिए, मैं रवि जी से कहना चाहूंगा, रवि जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैंने तो पहला वाक्य यही बोला था कि इस स्टिंग की क्रेडिबिलिटी छोड़िए। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल माफी मांगे कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद बयान दिया था कि कोई भी कहीं से स्टिंग कर ले और उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे, वह बयान गलत था। उन्होंने बचकाना बयान दिया अन्यथा अपने टर्न पे बोलिए मानवर। रवि जी, रवि जी, रवि जी अपने अपने टर्न पे बोलिए। रवि जी अपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। रवि जी सुनिए ना, आप तो इतना डिबेट करते हैं सर, इतना आप डिबेट करते हैं हमारे साथ। रुकिए ना सर, मैं 30-30 सेकंड का टाइमर लगा देती हूँ। 30 सेकंड सुधांशु जी बोल दें, फिर दूसरी बात लगाइए। 30 सेकंड का टाइमर, अभी तैयार। बिल्कुल। तो और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत के इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संवैधानिक पद पर बैठकर स्टिंग की वकालत की थी, और आज वही आके स्टिंग के पक्ष में आए बाएं साएं वाले वो तर्क दे रहे हैं जो उस जमाने में लोग देते थे। कोई बात नहीं, चलिए आपने कहा हमने मान लिया आपकी बात। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, अभी आपने देखा ब्रेकिंग न्यूज क्या आई कि एलजी ने कानूनी नोटिस दिया। हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं कानूनी नोटिस आ रहा है आरोपी के पिता की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वो ये कह दें कि इसकी सत्यता प्रमाणित कर ली जाए। वो ये कह दें कि अगर जरूरत होगा तो हम नार्को टेस्ट तक कराने को तैयार हैं कि हमने ये बोला था कि नहीं। कह दें ना, वो तो कट्टर ईमानदार है ना। कट्टर ईमानदार है तो अग्नि परीक्षा में भी जाने तैयार होना चाहिए। मगर कट्टर ईमानदार ऐसे बचाव कर रहा है, एलजी ने नोटिस दिया है। एलजी ने नोटिस दिया है सर, नोटिस की कोई कीमत नहीं होती। दिया करे नोटिस, कोर्ट में मिलेंगे जाकर के, कोई समस्या नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो बात ईबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखी कि 1 करोड़ रुपया भी उसको सोर्सेस से मालूम पड़ा है, 1 करोड़ रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ उसके अंदर। आपके जितने जी में आए बनाते रहिए, 144-30 डबल लाइसेंस, एक के ऊपर एक जो जी में आए करते रहिए, वो आप पिछले 23 दिन से कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और इन बातों का आप कोई जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सीबीआई में जैसा कि आज एक दुखद आत्महत्या एक सीबीआई के अधिकारी ने की है, मुझे लगता है कि भाजपा जिस तरह इस्तेमाल कर रही है सीबीआई को, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक अधिकारी ने आत्महत्या की है अपनी। क्यों की है, क्या वजह है उसकी, क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं सीबीआई के लोगों को ये गलत आरोप बनाने के लिए दूसरों पर? मैं मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूं, है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि उनको 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 काम करने से रोका जाएगा, तो वो जो है इस तरीके का नहीं, वो सीबीआई के अधिकारी हैं और वो सीबीआई के लिए काम कर रहे हैं। वो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, ना बीजेपी से, ना आम आदमी पार्टी से, ना कांग्रेस से। सर आपको बीजेपी से लड़ना है लड़िए,
लेकिन आप इस तरीके से इंस्टीट्यूट को तो नहीं कटघरे में खड़ा कर सकते ना सर। सुधांशु जी, अरे एक दुखद कांड हुआ, मैंने उसका एक जिक्र किया। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सर, इकलौता वही दुखद है, बाकी और कुछ घपले दुखद नहीं है, घोटाले दुखद नहीं है, ये दलाली जिसका आरोप आ रहा है वो दुखद नहीं है, हाँ जो नुकसान हुआ है सरकार को वो दुखद नहीं है। दुखद है तो आपकी तरफ से जो खबर आप दे रहे हैं वो दुखद है, ठीक है। सुधांशु जी, नुकसान हुआ है सुधांशु जी? देखिए इनका ये कहना है कि साहब बड़ी मजे की बात है, इनके जो मुख्य आरोपी हैं और जो उस कंपनी में डायरेक्टर हैं उनके द्वारा दिए गए स्टिंग की सत्यता इन्हें नहीं पता है, मगर एक सीबीआई के अधिकारी के द्वारा हुई आत्महत्या की बगैर जांच के निष्कर्ष इनके सामने है। अद्भुत विश्लेषण है मान्यवर, अद्भुत आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भाई आपने कहा कि अदालत में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साहब फर्क तो यह पड़ा है, चार चार लोगों से अदालत में लिखित माफी मांग चुके हैं केजरीवाल जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी जी से, कपिल सिब्बल से और मनीष तिवारी से। अरे इज्जत नीलाम हो चुकी है तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। मैं चुनौती से कहता हूं हमारे किसी नेता ने कभी कोर्ट में माफी मांगी हो तो बताइए। काले कानून वापस लेने पर पूरे देश से माफी मांगी थी। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, अरे भाई कोर्ट में माफी मांगी थी, कोर्ट में झूठा आरोप लगाया और कोर्ट में साबित नहीं कर पाए इसलिए माफी मांगनी पड़ी। पूरे देश से माफी मांगी थी प्रधानमंत्री ने, सदन के पटल पे मांगी थी, याद नहीं आपको? अरे किस बात की माफी, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा सुनिए, कानून वापस लिए, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। अरे उस काले कानून को किसने विधानसभा में पारित किया था? आम आदमी पार्टी ने वापस किया था। अरे वो छोड़िए, पहले आप अपनी बात करिए ना आपको। अरे भाई सुनिए तो, अरे अरे रूबिका जी, एक कहावत होती है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मतलब ये तो जो है मतलब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा प्रवक्ता विश्लेषक दे रहे, विश्लेषक का खोला उतर गया बिल्कुल। अरे भाई मतलब आप हमारा, अरे ये तक बोल रहे हैं मानवर, आप विश्लेषक है कृपया आप ये तो मत बोलिए हमारा और आपका, आप ये कहिए भाजपा और आम आदमी पार्टी का, आपके मुंह से क्या निकल जा रहा है भाई? इतना तो अपनी विश्वसनीयता देखिए, आम आदमी पार्टी विश्वसनीयता खत्म और समर्थन करने वाले विशेषज्ञों की विश्वसनीयता खत्म। अरे रवि जी हंसकर थोड़ी टाल सकते हैं आप अपने चोरी पकड़ी जाएगी तो आप ऐसे आप बत्ती सी निकाल के थोड़ी हमारा दिल जीत लेंगे। नीरव मोदी, विजय माल्या, संदेश रहा सब भगा दिए चंदा लेकर के, और विश्वसनीयता हमारी जा रही है, मतलब आम आदमी पार्टी की जा रही है। वाह, हमारी मतलब आम आदमी पार्टी, आप अपना दिल वहां रख के आए हैं रवि श्रीवास्तव जी। मैं फिर राजनीतिक हमारी निकल गया आम आदमी पार्टी के लिए, अब तो ऋषि अग्रवाल सैयद साहब रवि जी की तरफ थोड़ा तो गौर कीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं रवि जी। सैयद साहब जी 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 बुलाइए इनको। रवि जी आप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा समर्थन करते हैं। लेकिन सुधांशु साहब आपने जो सुना होगा, मेरे बड़े भाई सुधांशु त्रिवेदी जो है शेर व शायरी का बहुत शौक रखते हैं, तो सुधांशु साहब दो लाइनें सुनिएगा, आपके दिल को ये बातें चुभेगी तो नहीं बट अच्छी लगेगी। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल करते हैं चर्चे नहीं होते, आपके एमसीडी स्कूल में ना सिक्योरिटी गार्ड है ना सीसीटीवी, कोई भी स्ट्रेंजर आपके सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है और आप एक्शन तक नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते। आपने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का गवर्नमेंट फीस है 20,000 रूबिका जी, लेकिन ये घूसखोरी में 2,80,000 रुपया लेते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, प्ले ग्राउंड का एक निर्माण हुआ था यहाँ कर्नाटक में, यहाँ की कर्नाटक के भाजपा के इसमें 5 करोड़ का था लेकिन 3 करोड़ का घूस दिया इन्होंने 40% कमीशन के लिए। और यही आपके पास कहां से ये सारे डेटा आ रहा है? इसके सारे सबूत, सबूत इसके सारे सबूत है, पूरे सबूत है इसके पास, कहां मैं आपको चाहे तो ट्वीट कर दूंगा। नहीं तो आप सबूत मुझे क्यों देंगे, आप मुझे आप सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाइए जी, लेकर क्यों बैठे हैं? इसका तो चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को खुद कॉन्ट्रैक्टर ने जाके कंप्लेन भी किया है इसके बारे में। यहाँ पे कर्नाटक का भाजपा के जो सरकार है रूबिका जी, बसवराज बोम्मई को कंप्लेन तक किया है हर कॉन्ट्रैक्टर ने, उसने भी जिसने सुसाइड किया था, और बार बार लगातार, यही नहीं चित्रदुर्गा है। हाँ, तो वो आपने क्या शेर, वो क्या शेर बोला था एक बार फिर से मैं सुधांशु जी को सुना दूं, भाई फिर कह दीजिए। हम जी बिल्कुल, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल करते हैं और चर्चे नहीं होते। लो चर्चे नहीं होते सुधांशु जी,
मैं इनको एक शेर में जवाब दे देता हूं। जब से हमने आबकारी नीति पर सवाल पूछा है, इधर उधर से लेके विधानसभा विश्वास पत्र से लेके राजघाट तक सब जा चुके हैं, मगर उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। सच का सामना, शेर कह देता हूं, सच आम आदमी पार्टी के लिए लागू है। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के खड़ा हो जाता हूं मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आम आदमी पार्टी पे हकीकत, सुधांशु जी, हकीकत छुप नहीं सकती, छुपाने से महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। सत्य को आप दबा सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते, सत्य में जीते हैं। सुधांशु जी, आपका ये वीडियो झूठा साबित होगा, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। फिर एक और सुना दूं आपको, आप जिस जोश में पड़े जा रहे हैं ना, कट्टर ईमानदारी के जोश में, तो एक लाइन बता देता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के, चूंकि तुम नशे में हो। हरिशंकर नशे में है आप, याद रखिएगा। हरिशंकर जी, क्या होता है के पास फॉरेंसिक, अब ये तो मुशायरा करने लगे, बजाय देखिए इनसे, रवि रवि जी विशेषज्ञ कह रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है सुधांशु जी, एक सेकंड सुधांशु जी, सैयद साहब एक सेकंड, हाँ सुधांशु जी कोई बात नहीं, अगली बार तो फिर मुझे यहाँ पर बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी करना पड़ जाएगा। हरिशंकर जी, फिर आपको रूबिका जी, आपको इशारा और मुकर्रर करना होगा यहां पे, चाहता हूं कि बार-बार आप पार्टी के प्रवक्ता। शुक्रिया सुधांशु जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हां हरिशंकर जी, देखिए मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि बार-बार आप पार्टी के प्रवक्ता केजरीवाल मनीष सिसोदिया इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब हमें तो क्लीन चिट है, हमारे घर पर हमारे ऑफिस में कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है कि नहीं दिया अभी तक? और ये सीबीआई के हवाले से खुद बोलते हैं और कहते हैं कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा ये बात के लिए, कहा रिपोर्ट में लिख सर, दिया। यही तो बड़ा सवाल है हरिशंकर जी। हाँ, जब जब इनकी बारी होती है तब ये सीधे तौर पर कह देते हैं कि कंक्लूजन पर हम पहुंच गए, आप चोर हैं। लेकिन जब इनकी बारी होती है तो कहते हैं आरोपों से सिद्ध कैसे हो सकता है, यही राजनीति भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।